तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ साइंस में मैथ्स मैथ्स सीखने वाले हैं। उसमें हमारा पार्ट वन और चैप्टर नंबर फाइव है। ये दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के लिए लेक्चर हैं। तो इंग्लिश और यानी कि हिंदी में हम सीखेंगे ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा जो चैप्टर नंबर फाइव है वो यानी कि कैलकुलस से है, बराबर। कैलकुलस का काम क्या है? तो कैलकुलस खास करके जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं जो यानी कि कंटिन्यूस ना होते हुए भी हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलस यूज में आता है। जैसे कि आप लोगों ने यानी कि फिजिक्स में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशंस के बारे में पढ़ा है, यानी कि वेग और प्रवेग, बराबर। तो वहाँ पे जो फंक्शंस यूजफुल हैं वो सबके सब कैलकुलस के हैं। कैलकुलस में सबसे पहले हम यानी कि कंटिन्यूटी यानी कि सातत्यता, बराबर, के बारे में यानी कि समझेंगे। तो ये खास करके कंटिन्यूटी को कैसे सोल्व किया जाता है, बराबर। जैसे कि हमारे पास अगर यानी कि ऐसा एक कोई फंक्शन है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a, ये यानी कि प्लस की साइन नहीं है, बराबर। हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे होते हैं, बराबर। तो ये जो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो हम यहाँ पे रखेंगे वो हमारे लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का फंक्शंस है ये मेंशन करता है। तो जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस है f ऑफ x इक्वल्स टू c एंड लिमिट x tends to a minus f of x equals to c, ये दोनों अगर यानी कि इक्वल होते हैं, बराबर, ये दोनों अगर यानी कि इक्वल होते हैं, यानी कि इस तरीके से लिमिट x tends to a plus of f x equals to लिमिट x tends to a minus of f x equals to c, तो फिर ये समझना है कि भाई ये फंक्शन एफ एक्स जो कोई भी है, जो कुछ भी है, वो हमारे लिए वो यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन है, बराबर। इसी फॉर्मूला को हम यूज करके किसी भी फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की लिमिट को फाइंड आउट करना है, बराबर। और अगर वो यानी कि वैल्यू सेम एंड कॉन्स्टेंट, बराबर, इक्वल तो होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी एक ही आनी चाहिए, जनरली वैसे ही होता है, बराबर। तो फिर समझना है कि वो फंक्शन आपके लिए कंटिन्यूस है, बराबर। जो फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं वही डिफरेंटिएबल भी होते हैं, बराबर। डिफरेंटिएबल होने के लिए हर एक फंक्शंस को कंटिन्यूस होना जरूरी है, बराबर। तो ये दो बात जो है वो आपको याद रखना है, बराबर। मैं एक आध न्यूमरिक्स आपको इसके रिलेटेड यानी कि सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको यानी कि पता चलेगा कि भाई इसको हम यूज कैसे करते हैं, बराबर। और फिर यानी कि सर्टेन टाइप के सम्स यानी कि आपके बुक्स में हैं, वैसे ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब आपके लिए एक सम्स जो है वो यानी कि लिखूंगा और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी डिपेंडेड यानी कि सातत्यता के आधार पे दो न्यूमरिक्स करेंगे। ज़्यादातर इसी टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड एक्स इक्वल्स टू फाइव, बराबर। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू वो यानी कि ये थ्री वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यानी कि कंटिन्यूस होगा ही होगा, बराबर। सबसे पहले हम फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो चेक करेंगे, बराबर। किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर कट दिया हुआ है, बराबर, जीरो के लिए है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये नेगेटिव साइन नहीं है, बराबर, ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स,
मतलब ये फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब दोनों के लिए यहाँ पे फंक्शन तो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ fx इक्वल्स टू 5x-3। तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx की वैल्यू है हमारे पास 5x-3 एंड यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये जो है 5x-3। ये दोनों लिमिट्स हमें क्या कहती हैं कि हमें जहाँ पे x है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, इस साइन को ध्यान में नहीं लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के लिए मेंशन की जाती है, बराबर। तो हमें वो प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो क्या आएगा, -3, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, -3। देख लो दोनों वैल्यू सेम एंड कांस्टेंट मिली है, बराबर। तो अब हम लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये दोनों इक्वल है, बराबर। सो एफ एक्स is continuous at x equals to 0, बराबर। यानी कि गुजराती मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अहीं लिमिट x tends to 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, तेती एफ एक्स ए x बराबर 0 माटे सतत छे, बराबर, यानी कि कंटिन्यूस है। तो ये हमने यानी कि कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। प्रूव करने को कहें तो प्रूव कीजिए, चेक करने को कहें तो चेक कीजिए, बराबर। यहाँ पे अगर चेक करने के लिए कहाँ होता तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई कंटिन्यूस है, अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो फिर क्या कहते, कंटिन्यूस नहीं है, बराबर। चलिए अब वैसे ही सेकंड सम्स है, यहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये नहीं कहा है कि भाई प्रूव कीजिए, बराबर। बाई चांस हमें ये कहा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है x की वैल्यू क्या हो सकती है वो यहाँ पे नहीं दी हुई, तो ऐसे x की वैल्यू जो है x इज लेस और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 दी हुई है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, बराबर। तो हम यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट x tends to 1 plus of fx, बराबर। अब fx की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे x जो है ये मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे x जो है वो यानी कि less than 1 है, बराबर। ये जो हमें क्या कह रहा है, x tends to 1 minus हमें क्या इंडिकेट करता है कि वो less than 1 है, बराबर। और ये हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे x जो है वो greater than 1 है, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो है 1 से लेस देन है, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, x प्लस 5, बराबर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 5 लिखेंगे एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये देखिए अगर यानी कि x की वैल्यूशन 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 5, क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 5, बराबर। तो ये हमें पता चल गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए फंक्शंस डिफरेंट हैं। चलिए तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू तो 1 ही है, बराबर। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 इक्वल्स टू होगा 6, यहाँ पे क्या है 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 4। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये दोनों सेम नहीं है, बराबर। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि एफ एक्स जैसे ए टुकमा सतत नहीं, बराबर, इज नॉट कंटिन्यूस, बराबर। तो इस तरीके से आप यानी कि किसी भी सम्स के लिए कंटिन्यूटी जो है वो यानी कि चेक कर सकते हैं, बराबर। वैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सम्स हैं,
पर सारे के सारे सम्स तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर्मूला यही है, सेम मेथड है, बराबर। तो आप यानी कि सबके सब सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम यानी कि नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेरिवेटिव वाला, बराबर, जो यानी कि इम्पोर्टेंट भी है और यानी कि एग्जाम में ज़्यादातर आता भी है।